हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकल केट लर्निंग। सो गुजरात सेट का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल सेट के हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं, चार पांच पेपर डिस्कस कर चुके हैं, यानी 500 क्वेश्चंस। वो भी गुजरात सेट के बच्चों के लिए, नेट के बच्चों के लिए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वहां से आपका एक अच्छा खासा रिविजन जो है वो हो जाता है। ओके, सो अगेन यही WB सेट वालों के लिए, ये गुजरात वाले क्वेश्चन और नेट वाले क्वेश्चन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो 2023 में ये पेपर हुआ था, अभी होना है आप लोगों का 1 दिसंबर को एग्जाम। तो 1 दिसंबर तक कोशिश रहेगी कि 4-5 क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व करवाए जाएं पिछले। एंड नवंबर में ये पेपर हुआ था, पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इन द सेंस 100 क्वेश्चंस हैं, बट हमने 2 पार्ट बना लिए हैं इसके 50-50 क्वेश्चंस के, ताकि रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहे। जहां भी एजुकेशन सब्जेक्ट है वहां पे ये क्लासेस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, वॉट इज द नेचर ऑफ नॉलेज? नॉलेज का क्या नेचर रहेगा? नॉलेज कॉन्क्रीट रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी, मैनिफोल्ड रहेगी, या फिर डिवाइन रहेगी? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हम जैनिज्म में अनेकांतवाद की बात करते हैं, और अनेकांतवाद का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव होना। ठीक है, और मैनिफोल्ड का मतलब भी यही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनिफोल्ड। क्योंकि जैन की जब मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन की हम बात करते हैं, अनेकांतवाद की डॉक्ट्राइन की हम हमेशा बात करते हैं कि जो रियलिटी है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उसके बहुत सारे आस्पेक्ट या बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, और इस अनेकांतवाद की फिलोसफी के अराउंड ही हमारा जैनिज्म रिवॉल्व करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वर्ड्स अलग मिल सकते हैं। देखो मैनिफोल्ड ये हो सकता है पहले कभी ना देखा हो आपने वर्ड, लेकिन अनेकांतवाद तो पढ़ा है ना, और अनेकांतवाद का मतलब क्या है वो आपको पता है, तो आप आराम से इस आंसर तक पहुंच जाने चाहिए। ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, महावाक्यास के बारे में पूछ रखा है। विच एक्सपीरियंस शोज द हाइएस्ट स्टेट ऑफ अद्वैत? तो जो अद्वैत वेदांता हम पढ़ते हैं उसमें कौन सी स्टेज को ये हाइयर, कौन सी स्टेट को हाइएस्ट स्टेट मानते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ईशावास्यम इदम सर्वम, तत्वमसि, एंड आपका प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, अब यूजुअली इसका आंसर इन्होंने दे रखा है सी, यानी तत्वमसी। बट अगर हम देखें इन महावाक्यास के बारे में, सो बहुत सारे महावाक्यास हमें देखने को मिलेंगे। महा मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे, ग्रेट, और वाक्य मतलब सेंटेंस। तो जो ग्रेट सेइंग्स हैं या ग्रेट वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, तो वो हर एक उपनिषद में आपको वेदांत फिलोसफी में मिल जाएंगे। ओके, बट उनमें से भी 4 मेजर हैं जो हम पढ़ते हैं यूजुअली, और सारे ही महावाक्यास जो हैं जो ब्रह्मा की आत्मा के साथ जो यूनिटी है उसको शो करते हैं। ठीक है, अब महावाक्य में 4 कौन कौन से हैं? 4 हैं जी, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जिसमें जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, अत्रया, ये देख लीजिएगा प्रोनंसिएशन इसकी, इस उपनिषद में मेंशन है। और ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जो है वही ब्रह्मा है। ओके, ये अयम आत्मा ब्रह्मा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो सेल्फ है, आत्मा है, वही ब्रह्मा है। तो एक जगह हम बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस ब्रह्मा है, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो कौन है? सोल है, सेल्फ, आत्मा। ठीक है, तो वो आत्मा है, आत्मा ब्रह्मा, वो अथर्ववेद में मेंशन है। देन तत्त्वम असि, ये वाला, ठीक है, यानी तत्व, तत्वमसि। ठीक है, सो ये बोलते हैं कि आप ही ब्रह्मा हो, यू आर दैट। ओके, ये भी किसमें मेंशन है? ये सामवेद में मेंशन है, जिसमें बोला जा रहा है यू आर ब्रह्मा। और अहम ब्रह्मास्मि, इसमें हम बोल रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी यहाँ पे आपको ऐसे रियलाइजेशन हो जाता है कि आप खुद ही ब्रह्मा है। तो ये यजुर्वेद में मेंशन है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो लास्ट स्टेज है वो, या हाईएस्ट स्टेज की अगर हम बात करें, तो वो आई एम ब्रह्मा वाली होनी चाहिए। ठीक है, बट आंसर यहाँ पे तत्वमसि है। कहीं पर ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि ये सीक्वेंस में है चीजें, नहीं। अगर हम वेदों के हिसाब से देखेंगे कि आप चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस हिसाब से जाएंगे, देन अपना 4th नंबर पे जो है वो अपना ये आत्मा वाली बात आ जाएगी, तो वो चीज भी बनती नहीं है। ये सोचा जा सकता है कि विच एक्सपीरियंस शोज द हाइएस्ट स्टेट, तो एक्सपीरियंस आप यहां तक कर सकते हो शायद
तत्व वाली तक, यानी आप ही ब्रह्मा हो, यू आर ब्रह्मा. सो वो कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, बट आपको एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये चार जो है ये महावाक्याज हैं. कौन से वेद में मेंशन है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है तो कभी आने वाले टाइम में कौन से वेद में क्या मेंशन है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन सी उपनिषद में ये मेंशन है. ठीक है जी, तो इन चारों को ध्यान रखिए. ऋग्वेद में बोला जा रहा है ब्रह्मा जो है वो कॉन्शियसनेस को ब्रह्मा बोल दिया, देन आपके इसमें अथर्ववेद में आत्मा को ब्रह्मा बोल दिया, साम वेद में आपको ही ब्रह्मा बोल दिया, और अहम ब्रह्मास्मि यानी कि यजुर्वेद में मैं ही ब्रह्मा हूँ. ठीक है, जहां पे अगर आप डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये लास्ट टू में डिफरेंस क्या है, एक में आपको बोला जा रहा है यू आर ब्रह्मा और एक में बोला जा रहा है आई एम ब्रह्मा, तो इसके अंदर ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि यू आर ब्रह्मा में आपको जो है वो बेसिकली रिवील किया जा रहा है. ठीक है, और आई एम ब्रह्मा में रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं ही ब्रह्मा हूं, तो इसलिए मैं पहले रियलाइज होगा एंड देन जो है आप रिवील करो, उस बेसिस पे जो है वो आंसर सी अपना हो सकता है. तो ये महावाक्याज याद रखिएगा, ये नई इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइकिक शीथ, यानी मनो माया कोश. तो ये भी वेदांत फिलोसफी में हमने पांच कोश पढ़े हुए हैं, नेट में फेवरेट क्वेश्चन है, कोश से रिलेटेड हमेशा आता है, और अगर आपने नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, आपको आता होगा. ओके, तो मनो माया कोश का क्या फंक्शन रहेगा, टेक अनशेकी डिसीजंस, कोऑर्डिनेट फिजिकल एंड वाइटल कोश, यानी जो पहले दो कोश है अन्न माया और प्राण माया उनको कोऑर्डिनेट करना, एक्वायर डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, या फिर ऑब्जर्व द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑब्जेक्टिवली. पांच कोश में से जो तीसरा कोश है वो मनोमाया कोश है, जो कि मेंटल लेवल की या साइकिक लेवल की बात करता है. तो आंसर हमारा सेकंड रहेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा अन्न माया और प्राण माया को. ये पांच कोश के नाम आपको पता होने चाहिए, डिटेल क्लास जो वेदांत फिलोसफी की करवा रखी है उसमें इनको डिटेल में भी करवा रखा है. एक क्वेश्चन काफी फेमस है कि कौन सा सेल्फ के या आत्मा के ज्यादा करीब है, ठीक है, कौन सा उसके पास है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे. तो मान लो ये सेल्फ है या आत्मा है, तो इस आत्मा के ऊपर पहली लेयर, क्योंकि शीत है ना, ये पांच लेयर हैं एक तरीके से, तो पहली लेयर हमारी आनंद माया कोश की होगी, दूसरी मतलब अंदर से बात कर रही हूं, ये बाहर से बात नहीं हो रही, तो ये दूसरी लेयर जो है इसके बाहर वो विजनन माया या विज्ञान माया कोश बोल देते हैं, विजडम बॉडी, देन आपकी मनोमाया कोश, फिर प्राण माया और फिर अन्न माया. तो अन्न माया जो है वो या फिजिकल बॉडी जो है वो सबसे बाहरी शीत होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी, देन है दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ नाम दे रखे हैं, एक तरफ जो है वो उनसे रिलेटेड वो लगा लो, बुक्स लगा लो या उनसे रिलेटेड पब्लिकेशन लगा लो, किससे रिलेटेड है, ठीक है, या इस बारे में कौन बात करता है. मैंने आपको हमेशा बताया कि नेल नोडिंग्स जहां आ जाए वहां पे केयर वर्ड ढूंढने की कोशिश करना, केयरिंग की बात, केयर की बात हमेशा नेल नोडिंग ने की है, तो यानी एथिक्स ऑफ केयर इन एजुकेशन. तो ये क्या रहेगा जी, नेल नोडिंग्स, यानी सेकंड का ए, सेकंड का ए आते ही आपका आंसर आ गया वैसे तो, बट आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि किससे रिलेटेड और कौन सी स्टेटमेंट है और वो फिट भी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है. ओके, तो पहले का है जी सी, यानी फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर वुमेन की बात विवेकानंद कर रहे हैं, देन इनइक्वालिटी जो कास्टिज्म बेस पे है उसको रिमूव करने की बात सावित्री बाई फूले कर रही हैं, और बचते हैं वॉलस्टोनक्राफ्ट. तो वॉलस्टोनक्राफ्ट किस बारे में बात कर रही हैं, इन्होंने विंडिकेशन वाली बात की थी ना, तो ट्रेनिंग ऑफ वुमेन फॉर प्रोफेशनल करियर्स. तो जहां पे विंडिकेशन दिखे वहां पे वॉलस्टोनक्राफ्ट याद रखिए, जहां केयर दिखे वहां नेल नोडिंग्स याद रखिए, इन दो में से किसी एक से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर ये चीजें आई हुई हैं तो. ओके, सो टेक्निकली हमारा आंसर सेकंड हो गया जी. व्हाट डज सुंदरम मींस, ओके ये कोमा इधर आना चाहिए था टेक्निकली, ठीक है. सुंदरम मीन्स इन द मोटो सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस की हम बात करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की, तो उसमें सुंदरम का मतलब आपसे पूछा है, टू सी द एक्सीलेंस, टू डेमोन्स्ट्रेट हाइएस्ट मोरालिटी इन आवर प्रैक्टिसेस, टू रियलाइज द इनेट यूनिटी इन द कॉस्मोस, या फिर टू एक्सपीरियंस परफेक्शन. तो सुंदरम यानी ब्यूटी की बात कर रही हैं, तो हम जो परफेक्शन है यूनिवर्स में उसके एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो वो सुंदरम की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस ये बात आपको याद रखनी है, किससे रिलेटेड है, आइडियलिज्म की फिलोसफी से रिलेटेड है.
Which of the following statements is not true to pragmatist education? तो pragmatism से related कौन सी चीज सही नहीं है? The teacher should allow the student to discover new values. Okay. It is imperative to arouse students' innate power and interest. यानी ये vital है, important है कि आप student की जो है वो innate power या interest को बाहर निकालो, arouse. मतलब वो उनको बाहर निकालना है, उस potential को बाहर निकालना है. Teacher must plan for students' active participation and teacher must go in class with a precise lesson plan. जी वो प्रिसाइज लेसन प्लान के साथ नहीं जाएंगे. प्रिसाइज में अगर चले गए तो वो जो एक्सप्लोर करने वाली चीज है, पार्टिसिपेशन या डिस्कशन के दौरान जो और चीजें सीखी जा सकती हैं, डिस्कवरी हो सकती है, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी. सो कौन सी चीज ट्रू नहीं है? टीचर मस्ट गो इन द क्लासरूम विद अ प्रिसाइज लेसन प्लान. तो लेसन प्लान प्रिसाइज होना जरूरी नहीं है. मोटे तौर पे चीजें आपको पता हो और उस के अराउंड आप एक्टिविटीज करवा के उनको भी डिस्कवरी का चांस दें और एक फैसिलिटेटर की तरह काम करें, वो प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन में टीचर का काम होगा. सोशियोलॉजी एनालाइजेस द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एज, जब सोसाइटी की या सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन या ओवरऑल जो इंटरेक्शन सोसाइटी में देखने को मिलता है, दैट इज उसको ये कैसे ले रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की तरह, एनलाइटनमेंट की तरह, थिंकिंग की तरह या फिर वेलफेयर की तरह. तो सोशियोलॉजी में हमने कॉन्फ्लिक्ट थियरी भी पढ़ी, हम उसको कॉन्फ्लिक्ट की तरह लेते हैं. थिंकिंग में बात नहीं हो रही है, हम बातचीत या इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं. वेलफेयर या एनलाइटनमेंट में भी ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे. सो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को कॉन्फ्लिक्ट की तरह एनालाइज किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर. Then है 8th question, which stage is not required to undergo for a self in accepting a culture? तो जब आप culture को accept करते हैं तो कौन सी चीज जो है वो एक तरीके से जरूरी नहीं होगी या requirement नहीं है उस stage की. Okay, imitating other activities. तो जब आप culture को accept करते हैं तो आप दूसरे को imitate ही तो कर रहे होते हैं, ये बात तो सही है. Attending school for some years. जरूरी नहीं है कि आप स्कूल अटेंड करें तो ही आप एक्सेप्ट कर पाए कल्चर को या ऐसा कुछ हो, नहीं. प्लेइंग रोल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स, तो आप रोल अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं. गेट एंगेज्ड इन प्लेइंग ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, तो जहां पे आप एंगेज हो रहे हैं यहाँ पे भी आप प्लेइंग रोल ऑफ यानी डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे आप इमिटेट कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज को. तो ये सारी चीजें फिर भी जब आप कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें आ जाता है, ठीक है. बट जरूरी नहीं है कि आप स्कूल अटेंड करें कुछ सालों के लिए, वो एक रिक्वायरमेंट हो कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए. जो लोग स्कूल नहीं गए वो भी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, आंसर सेकेंड हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड पूछा है हमसे. विच ऑफ द फॉलोइंग एम ऑफ टैगोर्स विश्व भारती कॉनोट्स सोशल चेंज, तो विश्व भारती और सोशल चेंज से रिलेटेड बात आपसे पूछी गई है. अच्छा, विश्व भारती जो है वो ये बताइएगा, अभी के लिए तो ये यूनिवर्सिटी है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके वो कौन होंगे वो बताइएगा, वाइस चांसलर या चांसलर कौन होंगे, वाइस चांसलर नहीं, इसके चांसलर जो हैं वो कौन होंगे, पीएम होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, ये बात आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी. सो एम पूछा है आपसे टैगोर की जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है या जो उस टाइम पे उन्होंने शांति निकेतन या विश्व भारती वाली जगह खोली थी, सो उसका शांति निकेतन का ही नाम चेंज करके विश्व भारती हुआ. अच्छा, तो ये बताइए इनमें से कौन सी चीज वो सही है. टू अवेकन द स्पॉन्टेनिटी इन ह्यूमन सोल्व, स्पॉन्टेनिटी को अवेक करने के लिए. टू क्रिएट मोर इंटीमेट रिलेशंस अमंग डिफरेंट कल्चर्स. टू एस्टेब्लिश नेचर एज द बेस्ट टीचर. टू इंकल्केट चेंज इन चिल्ड्रन थ्रू एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस. तो देखो, बात तो ये सारी सही है टेक्निकली, बट इन्होंने बोला है कि विश्व भारती कोनोट्स सोशल चेंज, यानी एक इमोशन वाली चीज, ये सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल चेंज से रिलेटेड बात की गई है. तो उसमें जो एम आएगा वो आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में आप जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो. तो वो रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच भी हो सकता है, सोसाइटीज के बीच भी हो सकता है, डिफरेंट कल्चर्स के बीच भी हो सकता है. सो बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. 10th क्वेश्चन, फैमिली इज द मेन एजेंसी टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए इन द चाइल्ड, तो बच्चे में क्या चीज को डेवलप करने के लिए मेन एजेंसी की तरह काम करेगी. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डेफिनेटली यहीं से ही शुरू होगा, सो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा. देन सोशलाइजेशन, ट्रेडिशंस या फिर कस्टम्स.
तो ट्रेडिशन और कस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपका आंसर क्या रहेगा? सोशलाइजेशन की भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, राइट? हम स्कूल को भी एक मेन एजेंसी मानते हैं उसमें। सो पर्सनैलिटी और कस्टम्स डेवलप करने में जो है वो ये फैमिली एक मेन एजेंसी की तरह काम करेगी। कस्टम और ट्रेडिशन में फर्क देख लीजिए। ट्रेडिशन एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है कि मान लो किसी के घर में जो है पर्टिकुलरली किसी दिन कोई चीज सेलिब्रेट की जाती है तो वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है लंबे टाइम से। कस्टम जो है वो शॉर्ट लिव्ड और ऑब्जर्व रहेंगे, मतलब फैमिली लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे ही वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यानी कि जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो सारे तो कस्टम्स हो सकते हैं, बट सारे के सारे कस्टम ट्रेडिशन हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। तो ये लास्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए, कस्टम और ट्रेडिशन के बीच का डिफरेंस। और ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पर्सनैलिटी तो ओवरऑल आ ही गया, तो पर्सनालिटी तो आंसर में आएगा ही आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा। उस हिसाब से फोर्थ और सेकंड में से कोई एक हमें चूज करना है, सोशलाइजेशन या कस्टम। तो कस्टम बेटर है क्योंकि वो फैमिली और इंडिविजुअल लेवल पे ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। ओके, विच वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन हाईलाइटेड बाय डेलोर्स कमीशन। तो ये यूनेस्को से रिलेटेड है, उन्होंने वो जो ट्रेजर विद इन वाली रिपोर्ट भी सबमिट की थी उसमें उन्होंने चार पिलर ऑफ एजुकेशन की बात की थी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ये वाला जो है वो आंसर अपना नहीं है, लर्निंग टू हैव। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्कोज लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो ये इस रिपोर्ट का नाम था 1996। किसने दी? डेलोर कमीशन, क्योंकि डेलोर जो है उसके वो थे चेयरपर्सन थे। और ये चार तरीके की लर्निंग या ये चार तरीके के फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने की थी। तो ये आपको चारों पता होने चाहिए, किसने दिया, कब दिया और इस रिपोर्ट का क्या नाम है और ये किससे रिलेटेड है, यूनेस्को से रिलेटेड है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। Based on the recommendation of which commission, the first national policy on education was formulated by Government of India. तो इतने इजी questions देखो, ये नेट में आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, थोड़े से ठीक लेवल के आ जाते हैं उसमें, although ऐसे ऐसे easy question भी आते हैं बट कम आते हैं comparatively. So ये बताइए जी कौन किसकी basis पे, 1964 to 66 कोठारी commission, उनकी recommendation के basis पे first education policy हमें देखने को मिलती है। तो answer कोठारी commission हो जाएगा। Which one of the following is not a component of National Knowledge Commission 2006 से 2009 तक की जो रिपोर्ट थी वो, ओके, नॉट अ कॉम्पोनेंट पूछा है आपसे। तो मतलब नॉलेज कमीशन है तो क्या आप बोरो करोगे नॉलेज, बोरोइंग ऑफ नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज फॉर ऑल, हाँ एक्सेस होनी चाहिए, ये बात सही है, नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, सो बोरोइंग नहीं होगा जी, ठीक है। तो ये आंसर अपना गलत हो जाएगा, ये कोई कॉम्पोनेंट नहीं है जब हम नेशनल नॉलेज कमीशन की बात करते हैं, डिटेल में करवा रखा है, एक बार सुन लीजिएगा उसको पूरा। No nation can progress in the absence of, तो किस चीज की एबसेंस के बिना, मतलब किस चीज की एबसेंस में कोई नेशन प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो देखो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए भी हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो चाहिए ना, ठीक है, और भूखे पेट वैसे भी भजन नहीं होता, तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हमें किसी भी नेशन के लिए चाहिए। अगर आपको याद हो 1947 के बाद जब हम आजाद हुए थे हमारा पहला फोकस था कि कैसे हम इकोनॉमिकली खुद को बेटर बनाएं एज ए नेशन, राइट? सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सबसे पहले जरूरी है, अदरवाइज इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है तो आप सोसाइटी के लेवल पे प्रोग्रेस करके भी क्या ही कर लोगे, राइट? कि मतलब वो होता है ना कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन घर में खाने के पैसे नहीं है, वो चीज नहीं चलेगी। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बिना कोई और प्रोग्रेस जो है वो मतलब नेशन बेटर तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। विच कमीशन रिकग्नाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना है, ये बात कौन से कमीशन ने बोली थी? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन, यूजुअली हम कोठारी कमीशन को बोल देते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या फिर रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। तो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने की बात एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, यानी कि आप कोठारी कमीशन के साथ जा सकते हैं और इसको नेशनल कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ NCFTE 2009 इंक्लूड्स,
तो एनसीएफटीई का कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो क्या बोलता है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज, एंगेजमेंट विद द फील्ड, या फिर फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो देखो फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इंक्लूड होती है, लेकिन वो ये पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में या करिकुलम और पेडागोजिक स्टडीज में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो आंसर अपना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रहेगा। आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि तीन ब्रॉडर करिकुलर एरियाज की बात की गई है, जिसमें पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज और एंगेजमेंट विद द फील्ड। अगर आपको बीएड का याद हो तो बीएड में अगर आप देखेंगे पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, उसमें हम चाइल्डहुड, ग्रोइंग अप, तो वो सारा का सारा अपना साइकोलॉजी वाला पोर्शन भी इधर आता है। देन करिकुलम से रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं, प्लस हम पेडागोजिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है कि सोशल साइंस की पेडागोजी या साइंस की पेडागोजी, वो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। देन एंगेजमेंट विद फील्ड में हमने, अगर आपको याद हो तो, ड्रामा की फाइल्स बनाई थी, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी वाली फाइल है, आर्ट वाली फाइल है, ड्रामा वाली फाइल है, वो सारा एंगेजमेंट विद द फील्ड आ जाएगा। तो ये तीन मेजर जो है वो एरियाज हैं, और इन तीन के अंडर फिर अलग अलग कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। Which of the following committee and commission exclusively addresses teacher education in India? तो ये भी easiest question, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आंसर। जस्टिस वर्मा कमेटी कब बनी थी, 2011 में इसको बनाया गया था, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। रिपोर्ट का टाइटल पूछ लिया जाता है बहुत बार, सो विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। कई बार क्वालिटी पर्सपेक्टिव, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, तो इस तरीके से अलग अलग कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये रिपोर्ट का नाम पता हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था टीचर एजुकेशन के बारे में, उनके हालात के बारे में बताने को और उनके रिफॉर्म्स बताने को। Who governs the academic policies of colleges of education? तो colleges of education यानी जिसमें B.Ed, M.Ed हो रही है, तो obviously वो NCTE के ऊपर बात चली जाएगी, तो NCTE इनको, इनकी academic policies को govern करेगा। Which of the following is not an advisory board of education? तो कौन सा advisory board of education नहीं है, advisory board यानी वो advice नहीं देता है। UGC, CAB, CAB का तो है ही यही advisory board, central advisory board of education, ठीक है। Then NCERT school level के लिए, UGC अपना university level के लिए, NEC, NEC की टीम आपको, आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेट करती है, ठीक है, बट एडवाइज नहीं देती है, ठीक है। तो ये एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में नहीं आएगा। देन जी, विच इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो अगर आपने नेट का पेपर दिया है, पेपर वन में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ओपन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, या तो उनको सीक्वेंस में लगाना पूछ लेते हैं, या फिर फर्स्ट वाली पूछ लेते हैं, या मैच द फॉलोइंग आ जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो तो आप आंसर सही कर जाएंगे यहाँ पे। तो आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। एक बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है अहमदाबाद में, तो आपको हैदराबाद वाली चीज याद रखनी है, 1982 की ये बात है, ओके। इग्नू और बाकी ये जो यशवंत चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये कब बनी थी, इनकी डेट मुझे कमेंट में बताइएगा। द स्टैटिस्टिकल टेस्ट डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी हमने पढ़ी है, जब इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर की ये बात करते हैं, टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेस्ट बनाए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, उसको फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। ये 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर डेवलप किया, जिसको ये फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। इसमें ये कोरिलेशन चेक करेंगे कि वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो वो फैक्टर्स को एनालाइज कर रही हैं, नाम भी फैक्टर एनालिसिस ही रखा गया। Which of the following statements is not true in the context of intelligence test? तो intelligence test के संदर्भ में कौन सी चीज सही नहीं है, not, okay? An intelligence test can be standardized, हाँ कर सकते हैं। Intelligence test can differentiate between persons with different level of intelligence, definitely, इसीलिए वो intelligence test है, ताकि वो बता पाए level of intelligence अलग अलग कितना अलग अलग है। Intelligence test sets norms. Norms and standards set करके चलते हैं, and intelligence test has to be administered to one individual at a time. तो ऐसा जरूरी नहीं है जी कि आपको has to be administered, कि आप एक time पे एक individual पे administer कर सकते हो, नहीं। ग्रुप टेस्ट जो होते हैं वो भी तो इंटेलिजेंस टेस्ट ही है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट के हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक ग्रुप टेस्ट
और एक अपना इंडिविजुअल टेस्ट। तो ग्रुप टेस्ट ग्रुप में अप्लाई हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट वो एक टाइम पे एक इंडिविजुअल को ही दिया जाए, ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी, आंसर अपना डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन इक्लेक्टिक थियरी ऑफ लर्निंग। यूजुअली देखो इक्लेक्टिक का मतलब तो वही होता है कि आप जो है कंबाइन कर रहे हो बहुत सारी थियरी से कुछ कुछ बातें उठा के, जैसे इक्लेक्टिक थियरी हम पढ़ते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में हम इसमें डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव जो काउंसलिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके स्टेप्स को मिक्सअप करके इक्लेक्टिक थियरी या इक्लेक्टिक काउंसलिंग बना देते हैं, राइट, थर्ड टाइप। ऐसे ही थियरीज ऑफ लर्निंग की जब बात आती है तो कौन सी थियरी बेस्ट डिस्क्राइब करती है इक्लेक्टिक थियरी को, यानी बंडूरा की सोशल लर्निंग, गाइने की थियरी ऑफ लर्निंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग और पियाजे की थियरी। ठीक है, पियाजे की थियरी तो वैसे भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई, स्किनर की जो थियरी है वो पर्टिकुलरली कंडीशनिंग पे और एक ही जगह पे फोकस करती है, ऐसे ही ये सोशल लर्निंग पे फोकस करती है। बचती है गाइने की थियरी, गाइने और ब्रिग्स की जो थियरी है वो आइडेंटिफाई करती है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसमें आपको एक वो देखने को मिलेगा इक्लेक्टिक थियरी की तरह कि उसके अंदर वो जो 9 लर्निंग इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो हमने अलग अलग जगह से लिए हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए गाइने की जो थियरी ऑफ लर्निंग है उसको इक्लेक्टिक थियरी ऑफ लर्निंग बोला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज थियरी, कौन सी स्टेज थियरी नहीं है, यानी जिसमें स्टेजेस अवेलेबल नहीं है। पियाजे में 4 स्टेजेस हैं डेफिनेटली, चाहे वो थियरी किसी से भी रिलेटेड हो, पियाजे की थियरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे देन अपना एरिक्सन की थियरी में भी क्या मेंशन है, स्टेजेस मेंशन है, कितनी स्टेजेस है वो आप मुझे बताइएगा। बंडूरा की थियरी में कोई स्टेजेस है नहीं, फ्रूड की थियरी में भी हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस देखी हैं, तो सी आंसर। यहां से देखो रिवीजन आपको इस तरीके से करने को मिलेगा कि अब यहाँ पे नाम तो आ गया है, अब ये आपको पता है कि चलो ठीक है बंडूरा की थियरी में हम स्टेजेस नहीं पढ़ते हैं, बट बाकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो तो याद होनी चाहिए ना, वो इस टाइम पे आपको रिवाइज करनी है कि अच्छा पियाजे नाम आया है तो कौन सी 4 स्टेजेस है इनकी, कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ऐसे याद करनी है वो चीजें, रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही एरिक्सन की थियरी अगर नहीं याद आ रही है तो एक बार जाके देखो कि कौन कौन सी चीजें थी या कौन कौन सी स्टेजेस थी, नोट्स जो बना रखे। ऐसे ही फ्रूड की थियरी जो हम वो पढ़ते हैं ना ओरल एनल हाँ ओरल एनल और क्या था ओके ओके लेटेंसी और जेनाइटल ऐसा ही कुछ था। ठीक है, ओ ए एल जी कुछ तो था, एक और था स्टेप। ठीक है, तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बट रिवीजन के लिए इसी तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा कि आप वापस से जाएं और अब फ्लूइड की स्टेजेस को वापस से देखें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्वॉल्व मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग, तो कौन सा इनमें से मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करता है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वन सेल्फ, तो जब आप किसी भी टास्क पे खुद की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो तो वो मेटा ही आ गया एक तरीके से कि आप सोच रहे हो उस बारे में। कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वन सेल्फ विद अनदर, नहीं कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। सो एनालाइजिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ वन सेल्फ ऑन अ मेंटल टास्क, इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में ही एक चीज के बारे में सोचना है। ओके, सो ये इंट्रोस्पेक्शन वन सेल्फ ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, नोट पूछा है हमसे, सो कंपैरिजन इंक्लूडेड नहीं होगा जी इसमें, आप सिर्फ अपने आप पे ही काम करते हैं, सो वो मेटाकॉग्निटिव स्किल आपको यहां थिंकिंग जो है वो एक तरीके से रहेगी। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, presenting an aversive stimulus, withdrawing an aversive stimulus, administering punishment या फिर giving negative remarks। तो देखो reinforcement है तो वो क्या करेगी, strengthen करेगी behavior को। okay, अगर आप aversive stimulus present करते हो तो वो strengthen नहीं decrease करेगी, अगर punishment दे रहे हो तो वो भी decrease करेगी, और negative remarks में भी decrease ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप कोई aversive stimulus withdraw करते हो that is negative reinforcement। मैंने example भी दिया था आपको कि अगर पास वाले रूम में म्यूजिक चल रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरे रूम में बैठ के पढ़ते हुए, तो मम्मी ने जाके वो म्यूजिक बंद कर दिया, यानी कि वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गई कि अब आपका कंसंट्रेशन बेटर तरीके से बन पाएगा। सो वो एग्जांपल क्या हुआ कि जो एवर्सिव स्टिमुलस आपको मिल रहा था, वो आवाज जो आ रही थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथन होगा आपका वो कंसंट्रेशन वाला बिहेवियर। ओके, an approach to counseling in which the therapeutic process is based on the judgment of the counselor।
यानी कि वो काउंसलिंग का कौन सा अप्रोच होगा जिसमें जो प्रोसेस है थेरेपी वाला वो किसके ऊपर बेस्ड है, काउंसलर की जजमेंट पे, यानी काउंसलर बताएगा आपको तो डायरेक्ट डायरेक्ट बताएगा ना, बता समझाया था आपको तो वो डायरेक्टिव काउंसलिंग होगा। नॉन डायरेक्टिव की बात जब हम करते हैं, इसमें किसने कौन सी काउंसलिंग की बात की है, इनके नाम बताइएगा, जो मेन प्रोपोनेंट है ना डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक के, उनके क्या नाम है वो आप बताइएगा। डायरेक्टिव में डायरेक्ट डायरेक्ट एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है आपको, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं इसको, एंड काउंसलर जो है उसकी जजमेंट के ऊपर बेस रहेगी ये चीज। द प्रोसीजर ऑफ आस्किंग क्लाइंट्स टू एनेक्ट अ रोल ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो यानी एक रोल एनेक्ट करने को कहा जा रहा है क्लाइंट से, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं मिली है आपको, तो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जैसी है चीज, तो नॉन डायरेक्टिव जो है वो कार्ल रोजर्स के नाम से जानी जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, तो कौन सा इनमें से गाइडेंस का प्रिंसिपल नहीं है। गाइडेंस इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट वन्स लाइफ, डेफिनेटली गाइडेंस कभी किसी फ्रेंड से, कभी पेरेंट से, कभी पार्टनर से, किसी न किसी से गाइडेंस जो आप लेते रहते हैं, अलग अलग टाइप की गाइडेंस हो सकती है। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, कौन सी गाइडेंस है। टेस्ट कैन हेल्प इन इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, ओके ये गाइडेंस के प्रिंसिपल बोला जा रहा है। गाइडेंस काउंसलर हैज टू सजेस्ट व्हाट टू चूज व्हेन द क्लाइंट इज इन कंफ्यूजन, यानी अगर कंफ्यूजन में है कोई इंसान तो गाइडेंस काउंसलर जो है वो उसको सजेस्ट करेगा ही करेगा कि ये वाली चीज सेलेक्ट करो, ऐसा तो नहीं होता है। राइट, हैज टू सजेस्ट क्या होता है कि आप दबाव डाल रहे हो कि उसको सजेस्ट करना ही पड़ेगा कि इन चार में से एक चीज ये वाली कर लो। गाइडेंस बिलीव्स इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये इन इफेक्टिव नहीं है जी, इन इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट आएगा। ओके, सो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट्स। हैज टू सजेस्ट वाली चीज गलत है कि आपको सजेस्ट करना ही पड़ेगा कि क्लाइंट कंफ्यूजन में और वो क्या सिलेक्ट करे। Which of the following is not a principle of development? तो development continuous है, बिल्कुल है, directional भी है, universal भी है, irreversible नहीं होगा। Usually growth के term में आती है ये चीज कि growth जो है वो irreversible है, कि आपकी height बढ़ गई तो बढ़ गई, अब कम नहीं होगी। Okay? So ये principle of development में नहीं आएगा irreversible वाली चीज, और note ही आपसे पूछी गई है। Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on students' engagement? ये डिट्टो क्वेश्चन 2020 में नेट में आया हुआ है, और कमाल की बात यह है कि जब हम नॉलेज और उसके इंपैक्ट को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, नेट में इसका आंसर दिया हुआ है नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थियरी, और आपके गुजरात सेट में इसका आंसर दिया हुआ है थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। ठीक है, तो जो बच्चे, क्योंकि देखो एक्सप्लेन तो दोनों को ही कर सकते हैं क्योंकि हैबरमास की बात है, और हैबरमास ने जो जो थियरीज की बात की है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो नेट वाले बच्चे हैं वो अपना सी आंसर ध्यान रखें इसका, अगर सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है तो। और जो जी सेट वाले हैं, जी सेट अगर आपको दे के आना है तो आप ये वाला ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी ऑफिशियल आंसर की में डी वाला मेंशन है कि जो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन इन्होंने दी है, कम्युनिकेटिव एक्शन की थियरी, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी या ज्यादा यूजफुल रहेगी नॉलेज को एक्सप्लोर करने में। ओके, तो बाकी मैं नेट के हिसाब से जाना प्रेफर करूंगी कि हम सी आंसर के साथ जाएं। ये टेबल आप याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितनी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, मान लो हैबरमास की पूछ ली तो टेक्निकल प्रैक्टिकल इमेंसिपेटरी, और प्लस ये नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थियरी की भी बात करते हैं। शुलमन की पूछ ली तो पीसी के आपको पता हो, पेडागोजिकल कॉन्टेंट नॉलेज, सेवन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की ये बात करते हैं। देन यहाँ पे थ्री फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, डेंग एंड ल्यूक की बात करेंगे तो, और डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल, तो ये तीन टाइप की नॉलेज की ये बात करते हैं। What was the motto of सर्व शिक्षा अभियान? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में आया था। Education for minorities, for all low income groups, for all, for CWSN. तो ये सर्व शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए ना, तो education for all की बात होगी। ठीक है, In which method of collaborative learning the main purpose is to develop listening skills in the students? तो किस में, कौन से मेथड में, कौन सी स्ट्रेटजी में लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने पे फोकस है? फिशबॉल स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्कल ऑफ वॉइसेस एंड जिग्सो स्ट्रेटजी। जिग्सो, फिशबॉल, सर्कल ऑफ वॉइसेस ये करवा रखी हैं। आई होप आपने डिटेल वीडियो देखी हुई हो। जब फिशबॉल की बात करते हैं तो ऐसे फिशबॉल की तरह चीज होगी आपकी, क्योंकि बाउबो ऐसे से ही होता है ना, ये ऐसे से बाउबॉल आपका
फिश बोल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बीच में एक सेंटर बना के बाहर एक, तो ये बीच वाला सेंटर जो है यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं दे विल गेट इंडल्ज इन डिस्कशन, और बाकी जो बाहर वाले सर्कल में बैठे हैं वो सिर्फ सुनेंगे और उन सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, यानी सर्कल जो हमने बना दिया है ये चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 10 बच्चे बैठे हैं वो 10 के 10 वही 10 रहेंगे, नहीं, बीच बीच में चेंज किए जा सकते हैं। ये रहेगी फिशबोल स्ट्रैटेजी, और यही सबसे ज्यादा लिसनिंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है। मेन पर्पज इसका यही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो ग्रुप देखने को मिलेंगे, इन ग्रुप आउट ग्रुप की तरह, एंड एक जो है वो लिसनिंग, यहाँ वाले लिसनिंग पे फोकस करेंगे और जो अंदर वाला ग्रुप है वो डिस्कशन पे फोकस करेगा। एरिक इज अ यूनिट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है एरिक, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बता देते हैं। एनसीईआरटी के अंडर एक स्टैंडिंग कमेटी है एनसीईआरटी की, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी एरिक, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली किसको प्रमोट करेगी, रिसर्च इन प्रायोरिटी एरियाज ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। तो एरिक की फुल फॉर्म आपको पता हो, और ये किसके अंडर है, एनसीईआरटी के अंडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ अरेंजिंग सेमिनार्स फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए जो सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं फॉर चेंज ऑफ एनवायरमेंट के लिए होते हैं, इन सर्विस टीचर इवैल्यूएशन के लिए, प्री सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो टीचर्स के लिए हो रहे हैं ना, तो ये ड्यूरिंग द सर्विस की बात हो रही है कि उनका ड्यूरिंग द सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए हम सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं टीचर्स के लिए। प्री स्कूल या इन सर्विस में भी इवैल्यूएशन या एनवायरमेंट चेंज ऐसा कोई लेना देना नहीं है, मेन पर्पज नहीं होंगे ये। The professional teacher constantly upholds the honor and value of his or her profession in all his actions, या status of his or her profession, authority of his or her profession, या dignity of his or her profession in all his actions. तो जब एक professional teacher जो है वो होता, मतलब एक teacher जब professionally पढ़ाने जाता है तो वो constantly honor और dignity दोनों ही अपने profession के जो है उसके, मतलब honor और dignity उसके actions में दिखनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है, तो वो लेके चलता है उन दोनों चीजों को। Which of the following is not a characteristic of professionalism? तो professional अगर कोई course है, professionalism की आप बात करते हैं, तो morality, kindness, popularity, competency. Competent होना चाहिए definitely, kindness भी और morality भी, but popular होना ना होना इससे जो है professionalism पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay? So popularity is not the characteristic of professionalism. बाकी चीजें रहेंगी कि punctuality, kindness, morality, competency, ये सारी चीजें रहेंगी। For the systematic improvement of teacher education, which of the following steps should be taken? तो systematic improvement अगर आप चाह रहे हैं teacher education की, तो कौन कौन से step जो है वो लिए जाने चाहिए? To know about demand and demand supply of the teacher, okay? Updating curriculum of teacher education courses, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। Teacher education programs periodically, एक तो जब आप लाइव लेने की बजाय ऐसे रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप अपने आप से ही और कैमरा से बोल बोल के ऐसे थक जाते हो कि उबासी आना लाजमी है। यूजुअली लाइव में इंटरेक्शन होता रहता है तो वो दिक्कत नहीं आती है। ओके, मॉनिटरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स पीरियोडिकली, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को मॉनिटर करना, करिकुलम को अपडेट करना और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, ये बातें ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज जो है वो लाजमी नहीं है। आंसर अपना सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आया है CPD, NEP 2020 में कितने आवर्स मेंशन है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और ये किसके लिए होगा, टीचर्स के लिए, हेड टीचर्स के लिए, किसके लिए वो बताइएगा। All standalone teacher education institutions will be required to convert into multidisciplinary institutions by 2030 to become eligible to offer. तो eligible बनने के लिए वो क्या offer कर रहे हैं, 2030 तक उनको multidisciplinary institution का दर्जा या उनमें convert होना है जितने भी teacher education institutions हैं। So to offer the B.Ed का 1 year program, B.Ed का 2 year, B.Ed M.Ed 3 year integrated और ITAP,
आईटेप सुना होगा सबने ना, इस बार से आईटेप लागू किया गया है। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो आपको चालू करना है और मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट होना है। मल्टीडिसिप्लिनरी आ गया तो इंटीग्रेट तो करने पड़ेंगे ना प्रोग्राम्स को। इट्स लाइक बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोल रहे हैं। टू मेक टीचर्स अकाउंटेबल दे शुड बी गिवन, तो अकाउंटेबल बनाओगे टीचर, अगर आप उनको अकाउंटेबल ठहराना चाह रहे हो, उनको रिस्पॉन्सिबल मानना चाह रहे हो किसी चीज के लिए, सो दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनिंग, ट्रेनिंग इन टीचिंग एंड एग्जामिनिंग, देन फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेंट एंड टीचिंग मेथड्स, ट्रांसफर टू प्लेसेज वेयर दे वॉन्ट टू सर्व। तो अगर आप उनको अकाउंटेबल ठहराना चाह रहे हो या उनको अकाउंटेबिलिटी का रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हो, तो उनको सिलेक्शन के लिए भी तो फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप जो कंटेंट चाहें जिस तरीके से चाहें वैसे पढ़ा सकते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको अकाउंटेबल माना जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। विच आर द नीड्स फॉर डायग्नोसिस ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान डायग्नोसिस की नीड्स क्या है, कौन सी रहेंगी। तो अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हो तो इट विल हेल्प डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स टू स्ट्रेस, कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे स्ट्रेस डालना है, अकोमोडेट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, कौन कौन से अलग अलग टाइप के लर्नर्स हमें लेने हैं, इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल एंड सेट जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो बच्चे तो या टाइप ऑफ लर्नर तो जो आएंगे वो ही आएंगे, बट जब आप डायग्नोस कर रहे हो, नीड डायग्नोसिस कर रहे हो करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए वो बता देगा, जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करना और नया मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस करना, इन चीजों में हेल्पफुल रहेंगी। ओके, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को अकोमोडेट करोगे वो चीज नहीं आएगी। इंटेलेक्चुअल सोशल एस्थेटिक स्पिरिचुअल, व्हाट आर दीज इन रेफरेंस टू करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये चीजें क्या हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इवेल्युएशन के, टाइप्स हैं या डायमेंशंस हैं कंटेंट के, तो इन चार में से आंसर हो जाएगा डायमेंशंस हैं ये कंटेंट के, अलग अलग टाइप का कंटेंट हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, या इवेल्युएशन, क्योंकि अगर आपका कंटेंट के डायमेंशन है तो हो सकता है एक पॉइंट पे जाके इवेल्युएशन के भी हों, बाकी इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही कंटेंट बनाया जाता है, उसके डायमेंशन फिक्स किए जाते हैं। द टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो क्या चीज इंक्लूड नहीं करता, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस, डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है जी, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड को इंक्लूड नहीं करता, तो अगर ये डज इंक्लूड आ जाता तो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करके ए आंसर आ जाता, बट ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है तो ये ड्रॉप्ड था। ओके, बाकी टाइलर के मॉडल की बात आई है तो रैल्फ टाइलर की आपको बात पता होनी चाहिए, इन्होंने ये पब्लिश की बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, और ये चार चीजें हाईलाइट की, चार ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट किए, कि स्कूल के पर्पस को डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को, और उनको ऑर्गेनाइज करके इवेल्युएट करना। तो देखो यहाँ इवेल्युएशन ही तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स की डिटरमिनेशन हो गई या पर्पस की हम जो बात कर रहे थे, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, इसके बाद इवेल्युएट भी तो करना है, तो एक इवेल्युएट आ जाता। ठीक है, देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी बैलेंस आर्टिकुलेशन एंड इंटीग्रेशन, तो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्स्टेंट रिपीटेशन एंड रिव्यू ऑफ लर्निंग, कॉन्टिन्यूटी में चलेंगे आप, ठीक है, इतना भी थोड़ा आइडिया हुआ तो भी हम पहुंच सकते हैं आंसर पर। बैलेंस की अगर बात करें, अवॉइडिंग गैप्स एंड ओवरलैप, या फिर अच्छा गैप और ओवरलैप को अवॉइड करना इज लाइक आर्टिकुलेशन, मेंटेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ एवरी लर्निंग एरिया, तो आप प्रोपोर्शन मेंटेन कर रहे हैं यानी आप बैलेंस करके चल रहे हैं, एक होलिस्टिक व्यू लेना, गेटिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी इन लाइफ, दैट विल बी इंटीग्रेशन, तो आंसर विल बी सेकेंड, यानी डी बी ए एंड सी। 45th क्वेश्चन, द स्टेप्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल आर, फर्स्ट है एग्रीमेंट ऑन कॉम्पिटेंसीज, गैप एनालिसिस ऑफ करिकुला, इवेल्युएशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन ऑन कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो स्टेप्स पूछे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, हम कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम गैप को एनालाइज करेंगे,
एक कॉम्पिटेंसी पे अग्री होंगे और उसको फिर इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला पॉइंट जो है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन ही पॉइंट हमें सिलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करके ए आंसर हो जाएगा अपना। विच वन इज नॉट अमंग द सेलियंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो कौन सा जो है इनमें से नहीं है फीचर या प्रिंसिपल किसका, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का। तो जब आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप टोटेलिटी ऑफ एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हैं, यूटिलिटी को, ओके, सिंप्लिसिटी या इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। तो देखो इंक्लूजन रहेगा, टोटेलिटी भी रहेगा और यूटिलिटी भी रहेगा। देखा जाए तो सिंपल भी होनी चाहिए चीज, बट इनमें से एक चीज हमें हटानी है, तो दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी आ जाती हैं, जरूरी नहीं है हर बार सिंपल ही हो, बट हम सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन तीन, इन चार में से बाकी तीन तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आंसर सी हो गया। As given in NEP 2020, dash is envisaged in curriculum for school education. So, deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values, conscious awareness of one's role in education in school, deep sense of respect towards fundamental duties and responsibilities, and active awareness of one's role in society. तो जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो बच्चे में होनी चाहिए, करिकुलम में होनी चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन है, आंसर ए हो जाएगा। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी सही नहीं है। करिकुलम चेंज इज चेंज इन इंस्टीट्यूशन, नहीं। करिकुलम इंप्रूवमेंट इज चेंज इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, साउंड्स राइट। करिकुलम इंप्रूवमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, ये भी ठीक है, एक्सटेंशन भी हो सकता है जब आप इंप्रूव कर रहे हैं। करिकुलम चेंज इज चेंजिंग द करिकुलम स्कीम, तो जब आप चेंज कर रहे हैं तो हाँ आप पूरी स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आना चाहिए। लेकिन आपके जो है ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर डी दे रखा है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन मेरे पास है नहीं। ए आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि करिकुलम चेंज का मतलब ये नहीं होता कि आपने इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मैं ये कई बार चेक कर चुकी कि कहीं मैंने आंसर गलत तो नहीं देख लिया आपके आंसर की से या जो भी, बट यही आंसर दे रखा है जिसका, जो कि गलत लग रहा है मुझे। अकॉर्डिंग टू विच करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड कंफर्म द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, क्रिएटिविटी, इनहेरेंट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑब्वियस बात है, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन, एक्शन, प्रैग्मा, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, बाकी सारे नहीं होंगे। What may be sociological basis of curriculum development? तो जब सोशियोलॉजी या सोसाइटी से रिलेटेड बात आ रही है तो देखो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, डोगमा, एजेंडा। डोगमा, डोगमा इज लाइक कि आपको ये भी चीज जो है बस वो बिना सोचे समझे आपको जो बोला जा रहा है आप उसको स्वीकार कर रहे हो बिना किसी क्वेश्चन के, तो वो तो करिकुलम डेवलपमेंट का बेस नहीं होगा डोगमा तो, राइट। तो डोगमा अगर हटा दूं मैं, दो ऑप्शन हट गए। देन है मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, स्ट्रक्चर एजेंसी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, स्ट्रक्चर एजेंसी, यानी मेटाफिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एपिस्टेमोलॉजी। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस की बात करेंगे तो सोसाइटी एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह ही तो बात कर रही है, हमें उसमें प्रोसेस में जाना पड़ेगा नॉलेज वाली में। तो डी ऑप्शन जो है वो बेटर साउंड कर रहा है, डोगमा वाला ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन हमारे कट आउट हो गए, ठीक है। तो ये थे जी आपके 50 क्वेश्चंस, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आए होंगे, कुछ हेल्प हुई होगी प्रैक्टिस में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, कल की क्लास में बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।